गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है, टेंथ क्लास का जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर थर्ड बहुपद हम पढ़ रहे थे। बहुपद में आज हम पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम। आज बहुपद में हम पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि ये भी एक विभाजन की प्रक्रिया है। बहुपदों में एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित किस प्रकार से किया जाता है, वही इस प्रक्रिया में समझाया गया कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने पर, तब यदि शेषफल शून्य हो या फिर शेषफल की घात जो है वो भाजक से कम हो, तब तक ये भाग प्रक्रिया चलती रहती है। यानी एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग कब तक देंगे हम, या तो शेषफल शून्य हो या फिर शेषफल की घात जो है भाजक की घात से कम हो, तब तक उसको हम भाग दे देना पड़े। मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पी एक्स और जी एक्स दो बहुपद हैं, इसमें पी एक्स में हमने जी एक्स का भाग दिया, भाग देने पर क्यू एक्स यानी भागफल प्राप्त हो रहा है और आर एक्स जो है वो शेषफल प्राप्त हो रहा है। आर एक्स जो शेषफल है हमेशा इस जी एक्स से छोटा होता है, या तो शून्य होगा जी आर एक्स का मान, यानी शेषफल का मान या तो शून्य होगा या फिर इस जी एक्स से छोटा होगा, यानी इसकी घात जो है इसकी घात से कम होगी, तब शेषफल कहलाएगा और तब तक ये भाग प्रक्रिया चलती रहेगी। इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। देखिए, हमारे पास एक प्रश्न दिया गया, पी एक्स बराबर एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव प्लस फोर एक्स प्लस फाइव में जी एक्स, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स का भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात करो। एक एग्जाम्पल है अपने पास। देखिए, पी एक्स में जी एक्स का भाग देंगे हम, जी एक्स का भाग देने पर देखिए यहां पर लिखा जाएगा भाज्य, भाज्य क्या है, पी एक्स, एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। और वहां से अब देखिए, सबसे पहला काम जो है भाग देने के लिए पी एक्स और जी एक्स दो बहुपद हैं, तो भाग देने के लिए सर्वप्रथम हमें देखना है कि दोनों को हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे बड़ी घात पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी और फिर अंत में अचर पद, इस प्रकार से हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए, ये तो बिल्कुल सही क्रम से दे रखा है, लेकिन इसमें अचर पद पहले दे रखा है, तो इसको अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन, इस प्रकार से हमने व्यवस्थित कर लिया। अब भाग कैसे और किस प्रकार से दिया जाता है, इस पूरे बहुपद का, पूरे बहुपद में एक साथ हम भाग नहीं देंगे। तो भाग देने के लिए सबसे आसान तरीका देखिए कि इधर से जो पहला पद है, भाजक का जो पहला पद है, उसका भाग हम भाज्य के पहले पद में देते हैं। यानी इधर से जो प्रथम पद है उसका हम इसके प्रथम पद में भाग देते हैं। यानी प्रथम पद इधर एक्स स्क्वायर है और यहाँ प्रथम पद कितना है, एक्स की घात चार, एक्स की पावर चार है। तो यहाँ पर एक्स की पावर दो है या एक्स की पावर चार है, तो इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देंगे। तो देखिए, भागफल का प्रथम पद, भागफल का प्रथम पद क्या होगा, इसके प्रथम पद में भाग देना अपने को x की घात 4 बटे x की घात 2 बराबर। देखिए, घातांक नियम में हमने पढ़ा है कि जब आधार समान हो x और x,
और भाग के रूप में हो, डिवाइड के रूप में हो, तो घातें घट जाती हैं, पावर है माइनस, तो x घात 4 माइनस 2 x की पावर है 2, x की पावर कितनी हो गई 2 हो गई। तो यहां पर भागफल का जो प्रथम पद है वो कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया। भागफल को हम यहां लिखेंगे, भागफल के स्थान पर x स्क्वायर। अब देखिए दूसरा काम, ये तो पहला काम हो गया कि पहले पद का पहले पद में भाग दे दिया हमने, भागफल प्राप्त हो गया, भागफल का प्रथम पद आ गया अपने पास। अब यहां पर जो भागफल का प्रथम पद आया है उस भागफल के प्रथम पद को हम क्या करेंगे, भाजक के प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई करेंगे। भागफल के प्रथम पद को, जो भी भागफल हमें प्राप्त हो रहा है उसको हम भाजक के प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जिस जो भी समान पद हैं उनके नीचे, तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4, और x की पावर 4 यहाँ है उसी के नीचे लेंगे समान पद। इस बात का विषय ध्यान देंगे कि x की पावर 4 है तो उसके नीचे x की पावर 4 ही लिखा जाए, यानी समान पदों में ही जोड़ बाकी होगा इसमें। फिर x स्क्वायर को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब आ गया। फिर एक्स स्क्वायर को प्लस वन से गुणा करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉरी, देखिए ध्यान दें एक्स स्क्वायर को हमने माइनस एक्स से गुणा किया तो एक्स की पावर कितनी आ गई माइनस तीन। अब यहां एक्स स्क्वायर है तो इसको अलग से लिख लो, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से गुणा किया हमने तो माइनस एक्स क्यूब आ गया, और माइनस एक्स क्यूब का पद अपने पास यहाँ नहीं है तो इसको अलग से लिख दो यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर को प्लस वन से गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए अब घटाएंगे इसको, घटाने पर क्या होगा, नीचे की संख्याओं के चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4 और ये प्लस की एक्स, ये तो आपस में ऐसे कैसे कैंसिल हो गए, प्लस माइनस सबसे बड़ी घात मैंने कहा था बढ़ते क्रम में, लेकिन तो सबसे बड़ी घात अपने पास कितनी, एक्स की घात 3 प्लस में है तो लिखिए एक्स की घात 3। यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर माइनस के हैं और एक माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया तो 3 प्लस 1, जब समान चिन्ह हो तो पद जुड़ते हैं, तो यहाँ माइनस 3x स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 4x स्क्वायर होगा, ये ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस 4x और प्लस 5 आ गया। अब देखिए यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया अपना। अब भागफल का द्वितीय पद निकालेंगे, और भागफल का द्वितीय पद कैसे, वही जैसे ही, अब यहाँ पर प्रथम पद कितना है x की पावर 3 और यहाँ पर प्रथम पद कितना था x की पावर 2, तो यहाँ के प्रथम पद में इस प्रथम पद में इस प्रथम पद का हमें भाग देंगे, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा भागफल का द्वितीय पद जो कितना हो गया x की पावर 3 माइनस बटे x की पावर 2 x आ गया। भागफल का जो दूसरा पद है वो कितना आ गया x, और उसको भागफल के स्थान पर रख देंगे। सेम प्रोसेस नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, भाई जो भी भागफल प्राप्त हो रहा है उसको भाजक के प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर नीचे एज इट इज समान पदों के नीचे उसको रख देते हैं। तो x को मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर से, एक्स क्यूब हो गया, फिर x को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, x को प्लस वन से करेंगे तो प्लस x हो गया, वही घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे नीचे वाली संख्याओं के, माइनस ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया ऐसे, माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर प्लस 4x और माइनस एक्स प्लस 3x हो गया, यहाँ पर प्लस 5 तो प्लस के 5 हो गए। अब देखिए अब भागफल का तृतीय पद, भागफल का तृतीय पद, यहां पर प्रथम पद कितना है माइनस 3x स्क्वायर, यहां पर कितना है x स्क्वायर तो माइनस 3x स्क्वायर में हम भाग देंगे x स्क्वायर से x कैंसिल माइनस 3 आ गया, माइनस 3 को यहाँ भागफल के स्थान पर रखो। अब वही प्रक्रिया पुनः,
जो भी भागफल प्राप्त हो रहा है उसको भागफल भाजक के प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। फिर माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स से, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया थ्री एक्स। माइनस थ्री को प्लस वन से करेंगे तो माइनस का थ्री, घटाने पर वही चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। पांच प्लस तीन आठ से हो गया, अतः भागफल तो क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस थ्री, व शेषफल जो है वो प्लस आठ। इस प्रकार से हमारा ये जो है भाग प्रक्रिया कंप्लीट हो गई विभाजन एल्गोरिथम की साइड, इसे विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच, जांच करने के लिए अगर कोई कहे तो जांच में क्या है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य अपने पास ये है, भाजक हमारे पास ये प्राप्त हुआ हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, और भाग भाजक ये है ही और शेषफल आठ है। तो पहले तो भाग क्या करेंगे आप लोग, इसको भागफल को भाजक से मल्टीप्लाई करेंगे, भागफल को भाजक से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आठ इसमें जोड़ देंगे। ये मान जो है वो इसके पी एक्स के बराबर आना चाहिए, बस आपकी सत्यता की जांच होगी। इस प्रकार से अब इसमें हमारे पास तीन प्रकार के प्रश्न दे रखे इस चैप्टर में जो है एक्सरसाइज 3.2, इसमें जो है तीन प्रकार के प्रश्न हमें दिए गए। पहला प्रश्न कि px और gx दो आपको मान देगा, px व gx दो बहुपद दिया जाएगा आपको, और px में gx का भाग दे करके भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना होगा। क्या दिया जाएगा, px और gx दो बहुपद में दिए जाएंगे और gx का भाग px में हमें देना है और qx व rx यानी भागफल और शेषफल का मान हमें प्राप्त करना है, इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने इसमें ज्ञात किया। दूसरा प्रश्न इसमें कैसा आता है कि आपको px और gx दो बहुपद उसमें दिए जाएंगे, लेकिन उसमें प्रश्न क्या होगा, उसमें पूछा जाएगा कि क्या gx px का एक गुणनखंड है, क्या gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, इसकी जांच कीजिए। तो वो कैसे करेंगे आप लोग, गुणनखंड कब होगा, तो देखिए सेम प्रोसेस है, इसी प्रकार से आपको भाग देना है। भाग देने पर सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर शेषफल, यदि शेषफल शून्य हो रहा है, यदि शेषफल जीरो हो रहा है, तो gx जो है px का एक गुणनखंड होगा। कब होगा, यदि gx का भाग दे px में भाग देने पर शेषफल जीरो प्राप्त होता है तो जो है gx px का एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपको भाग देना है, भाग देने पर शेषफल जीरो प्राप्त हो रहा है तो gx जो है px का अब वो गुणनखंड हो गया, और अगर जीरो प्राप्त नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। इस प्रकार से एक प्रश्न लेकर के और हम हल करते हैं इसको। जी टी बराबर टी क्यूब माइनस थ्री और एफ एक्स दे रखा है इसमें, एफ टी दे रखा, सॉरी एफ एक्स नहीं टी, टू टी फोर प्लस थ्री टी क्यूब प्लस थ्री टी क्यूब
माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी, माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व। हमें क्या करना है, ये देखना है, ये सिद्ध करना है कि ये जांच करनी है कि जी टी इस एक्ट यानी ये बहुपद जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ये जांच करना है। और इस जांच करने के लिए क्या है हमारे पास, विभाजन एल्गोरिथम, यानी इस बहुपद का हमें इस बहुपद में भाग देना है और ये देखना है कि इसका शेषफल जीरो आता है या नहीं आता। अगर इसका इसमें भाग देने पर शेषफल जीरो प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये इसका एक बहुपद है, गुणनखंड है सीधी सी। तो देखिए 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 और इधर आ गया t क्यूब माइनस 3। वही प्रोसेस भाग देने के लिए इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद का भाग देंगे तो भागफल का प्रथम पद क्या हो जाएगा, भागफल का प्रथम पद 2t4 बटे टी क्यूब, यहां पर 2t, तो प्रथम पद क्या प्राप्त हुआ हमें 2t, इसको भागफल के स्थान पर लिखेंगे। अब भागफल का जो प्रथम पद प्राप्त हो रहा है उसको भाजक के प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई करके और यहां पर लिखा जाए, तो 2t को हमें टी क्यूब से गुणा करना है, तो 2t4, 2t को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 6t, और टी का पद कहाँ है यहाँ पर, तो माइनस 6t आ गया, घटाने पर माइनस हो गया और ये प्लस, ये कैंसल, 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t, सॉरी ये हो गया प्लस माइनस 3t माइनस 12। अब हमें क्या करना है, अब फिर से इसका भाग देना है, इस पद का इस पद में भाग देंगे हम, तो भागफल का दूसरा पद 3t क्यूब बटे टी क्यूब, टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल, 3 आ गया, यहां भागफल के स्थान पर 3 को वापस टी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t क्यूब, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9, घटाने पर माइनस और ये प्लस, ये कैंसल्ड हो गया, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t और ये माइनस के 3, ये शेष फल आ गया। तो यहां पर देखिए शेषफल जो है वो शून्य प्राप्त नहीं हो रहा, शेषफल जो है वो शून्य प्राप्त नहीं हो रहा, यहां पर शेषफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 3, ये प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब शेषफल शून्य नहीं है, इसका मतलब ये वाला बहुपद जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। सिंपल सी बात है, ये वाला जो बहुपद है इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल यहां पर जीरो आता तो आप कहते कि ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड नंबर का, दो प्रकार के प्रश्न हमारे पास हो गए कि एफ एक्स में जी एक्स का भाग देने पर भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है, दूसरा एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दे करके हमें ये बताना है कि ये बहुपद इसका गुणनखंड है या नहीं है, वो शेषफल पर निर्भर करता है, शेषफल जीरो तो गुणनखंड, शेषफल जीरो नहीं तो गुणनखंड नहीं। थर्ड प्रकार का प्रश्न है कि उसमें बहुपद दिया गया है और बहुपद के साथ में उसके कुछ शून्यक दिए गए और शेष शून्यक पूछ रहा है, वो कह रहा है इस बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए जब इसके शून्यक दिए। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करते हैं वो देखिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2x4
टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, और इसके दो शून्य दिए गए हैं रूट टू और माइनस रूट टू। इसके दो शून्य दिए गए हैं, ये दो शून्य हैं और इसके सभी शून्य ज्ञात। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई इस बहुपद के शून्य होंगे कितने। जब तक आपने यही पता नहीं इसके शून्य कितने होंगे तो बाकी कितने निकालेंगे। तो देखिए अब ये किस पर निर्भर करता है, कल पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि बहुपद के जितने शून्य के यानी जितने घातीय बहुपद है उतने ही उसके शून्य होंगे, जितने घातीय बहुपद है उसके उतने ही शून्य होंगे। तो यहाँ कितने घाती बहुपद है, अधिकतम घात कितने चार, चार घाती बहुपद हो गया तो इसके शून्य कितने होंगे चार, इसके शून्य होंगे। अब देखिए सबसे पहले हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो शून्य हमें दिए गए हैं उनको x के बराबर आपको रखना है, जो भी शून्य का आपको दिए गए हैं उनको x के बराबर आपको रखना है। तो देखिए रखिए x इज इक्वल टू रूट टू, वापस मल्टीपल इसको इधर लेकर के आओ पक्षांतरण करके तो x माइनस रूट टू हो गया, और इधर से x इज इक्वल टू माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर दो गुणनखंड हो रहे हैं क्या, इन दोनों गुणनखंडों को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो x माइनस रूट टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस रूट ए माइनस बी ए प्लस बी, कौन सी सर्वसमिका लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस दो एक बहुपद हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस टू क्या हुआ एक बहुपद, और ये जो बहुपद है वो इस बहुपद का एक शून्य होगा क्योंकि इसी से तो ये दोनों शून्य ज्ञात किए गए हैं। तो ये इसका इन दोनों का एक गुणनखंड होगा, सॉरी क्या होगा गुणनखंड, क्योंकि इसी बहुपद से ये दोनों शून्य ज्ञात हैं तो ये बहुपद जो है इसका एक गुणनखंड होगा। अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस दो बहुपद टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब ये इसका एक गुणनखंड है तो इसका इसमें भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा शून्य, शेषफल जीरो प्राप्त हो रहा है तभी तो गुणनखंड कहलाता है। तो इसका भाग इसमें, इसका भाग हमें इसमें देना है तो दीजिए भाग दीजिए 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2। भागफल के प्रथम पद का भागफल के प्रथम पद में भाग देना है भाज्य के में, तो यहाँ पर कितना हो गया 2x की घात यहाँ 4 है या 2 है तो कितना हो गया x स्क्वायर। भागफल के प्रथम पद को वापस भाज्य के प्रथम पद से गुणा करेंगे, तो सभी से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x4 2x स्क्वायर को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया माइनस 4x स्क्वायर, घटाने पर माइनस और ये प्लस कैंसल माइनस 3x क्यूब और यहाँ पर प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। फिर से इस प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देंगे माइनस थ्री, ऐसे कैसे एज इट इज एक्स की पावर थ्री या एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से तो कितना हो गया माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स को माइनस टू से माइनस माइनस प्लस थ्री इंटू टू सिक्स हो गया सिक्स एक्स, तो प्लस का सिक्स एक्स घटाने पर ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसल्ड ये भी कैंसल्ड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर भाग देंगे प्लस वन, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू घटाने पर ये प्लस हो गया सॉरी माइनस हो गया और ये प्लस ये कैंसिल जीरो से इस फल आ गया जीरो से इस फल हमारे ऊपर। अब यहाँ पर जो भागफल हमें प्राप्त हो रहा है उसके हमें गुणनखंड करना, क्यों, क्योंकि जो विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि भाज्य बराबर क्या होगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होगा नहीं होगा, तो इसके गुणनखंड किए हमने तब तो ये दो शून्य आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर जो भागफल हमें प्राप्त हो रहा है उसके हमें गुणनखंड करने, तो देखिए कर कीजिए गुणनखंड
टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, गुणनखंड करने के लिए जीरो के बराबर रख दीजिए इसको। टू को वन से मल्टीप्लाई करो, टू एकम टू और टू प्लस वन थ्री हो गया माइनस का, तो माइनस, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दो दो के जोड़े बना दीजिए, यहाँ से टू एक्स कॉमन आ गया एक्स माइनस वन और यहाँ से माइनस का कॉमन आ गया तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये भी कॉमन है, समान संख्या नीचे कोष्टक में तो समान संख्या आ रही है, तो x माइनस वन कॉमन आ गया, यहाँ पर टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन और टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। अतः बहुपद के सभी शून्य एक वन बाई टू रूट टू और माइनस रूट टू, इस प्रकार से हमें हल करना है। यानी तीन प्रकार के प्रश्न हो गए इसमें, एक तो हो गया कि एक बहुपद पी एक्स, बहुपद पी एक्स में जी एक्स का भाग देकर के भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। दूसरे प्रकार के प्रश्न में कि हमें जी एक्स को पी एक्स का गुणनखंड सिद्ध करना है कि ये इसका गुणनखंड है ही है, तो उसके लिए हम क्या कर देखना है कि शेषफल जीरो होना चाहिए, बस फिर वो गुणनखंड कहलाएगा, शेषफल जीरो नहीं है तो गुणनखंड। थर्ड प्रकार का प्रश्न है इसमें कि बहुपद के कुछ शून्य दो या एक या तीन जो भी शून्य दे रखे हो और शेष शून्य के हमें ज्ञात करना है, तो सिंपल सा तरीका है जो भी शून्य दिए गए हैं उनको पहले तो एक्स के बराबर रखिए, आप एक्स के इज इक्वल टू रखना है, पक्षांतरण करना है, दो गुणनखंड बनेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर एक बहुपद प्राप्त होगा, उस बहुपद को हमें क्या करना है इस बहुपद में भाग देना है, जो भी बहुपद प्राप्त हो रहा है मल्टीप्लाई करने पर उसका इस बहुपद में भाग देना है, भाग देने पर शेषफल जीरो होगा और एक भागफल प्राप्त होगा, भागफल के हमें गुणनखंड करने, गुणनखंड करने पर जो भी शून्य प्राप्त होगा वो इसके शेष शून्य कहलाएंगे। धन्यवाद।